बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास एट्थ की सब्जेक्ट साइंस की असेसमेंट वर्कशीट टेन करेंगे। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 29 दिसंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट। तो ये जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट बच्चों आपकी 20 मार्क्स की है, और इसमें जो आज में आपके शॉर्ट टाइप आंसर भी हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं, क्वेश्चन 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स का है एंड 3 मार्क्स के हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जो कि हमारे 1 मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया, विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डज टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें आप लिखेंगे सेक्शुअल, SEXUAL, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, DUCTION बच्चों, ठीक है। तो ये है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड है, हाउ मेनी पार्टनर इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर आपको स्पेलिंग समझ में नहीं है तो यहाँ से भी फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आप देख लेते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की स्पेलिंग यहाँ पे है, और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप लिखें कितने पार्टनर होने चाहिए, 2 पार्टनर होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल। थर्ड क्वेश्चन, नेम वन एनिमल विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, उसमें आप लिखें अमीबा में होता है, AMOEBA अमीबा। नेक्स्ट है, नेम द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा में, उसका नाम बताना है, मेथड बताना, उसका क्या नाम है, उसका है बर्डिंग, BUDDING। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राइट फुल फॉर्म ऑफ IVF। IVF की आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो INVITRO विट्रो फर्टिलाइजेशन, FERTILIZATION, ठीक है, मैं इसलिए लिख के बता रही ताकि आपको स्पेलिंग भी याद होती जाए साथ के साथ, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द आंसर इन ब्रीफ। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन है, दोनों के आपको 2 मार्क्स हैं। राइट 2 डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो लिखेंगे आप इसका आंसर बच्चों, तो 2 डिफरेंस है बच्चे इसके अंदर, एक्सटर्नल के अंदर और इंटरनल के अंदर। तो एक्सटर्नल क्या होता है, टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ये फीमेल बॉडी के आउटसाइड में होता है, और टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट, यूजली लार्ज नंबर ऑफ गैमेट आर रिलीज इन सराउंडिंग मीडियम। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो गैमेट होते हैं आसपास के मीडियम में रिलीज किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर में। और इसमें क्या होता है, मेल गैमेट आर रिलीज इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल बाय ए कोपुलेटरी ऑर्गन। तो कोपुलेटरी ऑर्गन के द्वारा मेल के जो गैमेट होते हैं वो फीमेल के अंदर डाले जाते हैं। तो ये होता है हमारा इंटरनल, ये होता है हमारा एक्सटर्नल, ठीक है, ये एक्सटर्नल, ये हमारा इंटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग। तो इन सब में आपको किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, उसका आपको नाम बताना है। जैसे काऊ, काऊ में कैसे होता है बच्चों, ये हमारा होता है इंटरनल। हमारे 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसमें आप करेंगे इंटरनल में होता है। फ्रॉग में कैसे होता है बच्चों, एक्सटर्नल होता है, EXTERNAL। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन, ह्यूमन में कैसे होता है बच्चों, इंटरनल होता है। और जो फिश है उसमें बच्चों कैसे होता है, वाटर में इसके जो गैमेट है रिलीज किए जाते हैं, तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल, ठीक है, ये आउटसाइड द बॉडी होता है, फीमेल बॉडी होता है, ठीक है। तो आपका ये आप इसका आंसर कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका इस वर्कशीट का, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको। तो वीवी पोरस एनिमल गिव बर्थ टू यंग वन। तो वीवी पोरस क्या, यंग वन को जन्म देते हैं, तो ये क्या हमारा सत्य, मतलब आप इसमें लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। तो अमीबा क्या बर्डिंग की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है, तो ये क्या आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। क्या फोर्स मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, तो ये क्या आपका फॉल्स, क्योंकि वो चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों, तो वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ड्राई वेल लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना, तो करेंगे आप इसको, तो ये आप इसका डायग्राम बनाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। ये आपका ओवेरी है, ये ओविडक्ट है, ये यूट्रस है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप ये डायग्राम बना लेंगे। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, फिल द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व ओनली 1 पेरेंट। तो उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्स
UAL सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, PRODUCTION, ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट है एग लेइंग एनिमल आर कॉल्ड डैश, तो एग जो जो एनिमल एग के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं उनको हम बोलते हैं ओविपोरस, तो इसको मैं रफ कर देती हूँ OVIPAROUS, ओविपोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन द कैटरपिलर इनटू एन एडल्ट सिल्क मॉथ इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, तो इसमें आप लिखेंगे मेटामॉर्फोसिस। SIS. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू पुल एट द रोप, तो अगर हमें पानी निकालना है वेल में से तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फोर्स कैन बी डैश और डैश, तो क्या हो सकते हैं फोर्स, पुल एंड पुश, खींचना भी हो सकता है और धकेलना भी हो सकता है, तो आप इसका आंसर ये कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों, वर्कशीट कंप्लीट करें, टीचर से चेक करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।